वाले ने आसान करने वाला था यहाँ का कामाख्या के रहने वाला था। ये ताम शक्ति है। मेरे कहने का प्राय कि ये जितने प्रकार के साधन हैं ये सारे के सारे अपना महत्व रखते हैं। प्रतिकार सात्विक से तो नहीं होता, तामसिक नहीं, उसमें ऐसा है जैसे भगवान शंकराचार्य का जीवन बड़ा अद्भुत रहा। एक दिन वो एकांत में बैठे हुए थे तो उनके पास एक तांत्रिक आ गया प्रणाम के चरणों में गिर रोने लगा। कहा पहले आप मुझे वचन दें तो मैं आपसे काम करूँ, जो मैं मानूंगा वो कहा। मैंने भैरव की आराधना काली की आराधना की और मेरी सिद्धि के लिए किसी महापुरुष का शर्त है, और यदि आपसे बड़ा महापुरुष किसी में कोई है नहीं, शरीर नाशवान है ही आपके सिद्धांत में, आत्मा अमर है ही, इसलिए आपका कुछ नहीं बिगड़ने का और मेरी सिद्धि मिल जाएगी, तो आप कृपा करके यदि अपना सर मुझे दे दें तो हम बन जाएगा अच्छी बात। लेकिन ये तुम किसी से कहना नहीं, ये तो मेरे शिष्य जो हैं वो बड़े हैं, ये तुम्हें बहुत दंड देंगे कहना नहीं। हाँ तो फिर हमारा काम कैसे तो था बताओ जहाँ, तो बताया कि मैं उस जंगल में वहाँ पर मेरा वो है खाली का मठ जहाँ मैं आराधना करता हूँ, मैं आ जाऊँ ठीक है। तो चला गया भगवान आधी रात में उठे, दिख सब सो गए, दिखा सब सो गए हैं, शिष्य जो उनके रक्षा में रहते थे सब सो गए उठे। जब वहाँ पहुँच गए तो वो तांत्रिक ने देखा तो बड़ा खुश हुआ, सारा शाम सजा करके रखा था, अब वहाँ पर उनकी पूजा करने लगा, क्योंकि मारने से पहले पूजा करते उनसे बकरे की पूजा करते, तो पूजा करने लगा। और यहाँ पर थोड़ी देर उनके जाने के उस समय बाद जगह शिष्य जगह देखे गुरु जी थी, गुरु जी बाहर गए होंगे, नीलम शंका गए होंगे, बाहर देखने लगे, बाहर भी कहीं नहीं, बाहर नहीं तो गुरु जी कहाँ चले गए। अब इतने में वो जो थे पद्मपादाचार्य महाराज वो बैठे अपने इष्ट का ध्यान किया तो देखा तो गुरु जी को वहाँ पूजा हो रही थी और खड़ग लेकर खड़े थे मारने के लिए, बस वहाँ से दौड़े त्रिशूल लेकर के। और वहाँ जितने जब तक ये हुआ कि खड़ग उनके एन खत दे करे इतने तो पहुँच गए मारा वही त्रिशूल वो थे और फिर जितने तांत्रिक वहाँ थे सब को उन्होंने मार खत कर और गुरु जी के ऊपर बिगड़ गए। आपने क्या किया कि तो मैं क्या करता, मेरे से मांग लिया उसने कि अपना सर दे दो, मैंने कहा भाई सर ले दो। उनका जीवन बड़ा ही अद्भुत रहा। तो ये जो मेरे कहने का प्राय कि ये जो प्रक्रियाएं हैं मंत्र की ये सब अपने अपने आप में भरते हैं। तो एतान विभूतिम योगम च मम योगेति तत्त्वतः, यानी मेरे कहने का प्राय कि अन्य प्रकार के सिद्धियों के लिए कर्म की जरूरत है, लेकिन मोक्ष रूपी सिद्धि जो है वो ज्ञान से प्राप्त होती है, योग सिद्धि जो है वो ज्ञान से प्राप्त होती है, योग सिद्धि कर्म का परिणाम नहीं है। तो बात क्या है, योग सिद्धि अनन्य योग सिद्धि, अनन्य योग में भक्ति योग भी आता है, ज्ञान योग भी, दोनों अनन्य योग है। भक्ति योग और ज्ञान योग की सिद्धि जो है वो किसी क्रिया का परिणाम नहीं है, यह तो तत्व बोध का परिणाम है। ओम भगवस्वी ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति। परमानन्दं।
ब्रह्मात्मनं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य सर्वोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकिनां प्रिया एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अभिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवः तथा इस विषय में बहुत सी बातें मैंने बताई आप लोगों को। भिन्न भिन्न आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। पुराणों के और महाभारत के अनुशीलन से ज्ञात होता है इस विषय में पहले भी कई स्थानों पर चर्चा की गई है जिसको भगवान ने यहाँ पर समझाया। ब्रह्मांड पुराण में पूर्वे सप्तऋषि के संबंध में ये बात समझाई गई, जो वर्तमान मन्वंतर के सप्तऋषि हैं इनकी चर्चा इसमें नहीं है। जो प्रथम मन्वंतर के सप्तऋषि हैं जिनका नाम कल मैंने समझाया था आप लोगों को, उनकी चर्चा है। विशेष मतभेद चत्वारों के संबंध में, चत्वारों के संबंध में आचार्य शंकर ने चत्वारो मनवह इतना ही कहा है और उसमें स्वयंभू आदेह, अन्य विद्वानों ने चत्वारों का अर्थ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लगाया और उसमें उन्होंने कहा कि इनके द्वारा सृष्टि की संगति कैसे बैठेगी, इनसे सृष्टि नहीं हुई आगे। विद्वानों ने कहा कि इनके द्वारा शिष्य सृष्टि ज्ञान सृष्टि हुई। इसमें चारों भाइयों ने विशेष करके चार प्रकार के योगों का अनुसंधान किया और उनमें सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार इनके द्वारा चार प्रकार के योग की सृष्टि हुई। ये चार प्रकार के योग के चारों भाई प्रवर्तक, चार प्रकार का योग। तो उसमें विशेष करके प्रथम जो सनक है, सनक ऋषि, उन्होंने विभूति योग जो है उसका प्रकाश किया। सनंदन ने समत्व योग का अनुसंधान करके उसकी प्रतिष्ठा की। सनातन ने ज्ञान योग का अनुसंधान किया, उसकी प्रतिष्ठा की और सनत कुमार ने कर्म योग का अनुसंधान करके उसकी। चार प्रकार के योग का सृजन इन चारों महापुरुषों ने किया। कर्म योग के प्रवर्तक के रूप में सनत कुमार, ज्ञान योग के प्रवर्तक के रूप में सनातन, समत्व योग के प्रवर्तन के रूप में सनंदन और विभूति योग, ऐश्वर्य योग और उसको इस रूप में सनक, चार प्रकार के योग की जो व्यवस्था है
इनके ये प्रवर्तक बताए गए हैं पुराणों पुराणों में ऐसा है। इसलिए क्योंकि ज्ञानमयी सृष्टि शिष्य सृष्टि के ये मूल हैं, इसलिए इनको विष्णु गिना गया। लेकिन इमाह प्रजा, यहाँ पर ज्ञानमयी सृष्टि की चर्चा नहीं है, प्रजा की सृष्टि की चर्चा है। प्रजा माने जो प्रजननशील है, प्रजननशील माने जो उत्पन्न हो। ज्ञान का अनुसंधान अलग है, शिष्यमयी सृष्टि जो है उसको प्रजा नहीं कहते, ऐसा कुछ विद्वानों की राय है। उन्होंने इस पे इसके विषय में चत्वारों मनवह का विशेषण माना है और ये कहा है कि ये चत्वारों जो है वो चार प्रमुख मनु, अब तक सात मनु हो चुके हैं। हम जिसमें रह रहे हैं इस मनु का नाम वैवस्वत मनु है, इनसे पहले जो थे वो रैवत मनु थे और रैवत मनु से पहले के जो मनु हैं उनमें अलग अलग मनुओं का वर्णन है। पहले स्वयंभू मनु है, फिर श्रावणी मनु है और श्रावणी मनुंतर नहीं स्वरोचित स्वरोचित है और उसके पश्चात फिर दूसरे मनु हैं जिनका नाम है उत्तम और तीसरे हैं तामस, चौथे स्वयंभू स्वरोचिष उत्तम तामस और उसके बाद में रैवत में रैवत के पहले एक और मनु, फिर रैवत है, फिर सातवां जो है वियोस्वान, वियोस्वान के पश्चात फिर सावर्णी मनु, सावर्णी मनु इसके बाद में होने वाले अब जो होंगे जिसके लिए दुर्गा स्थिति में आए ना सावर्णी वक्ता मनु। तो सावर्णी मनु के साथ फिर आगे छह और मनु होंगे जिनको दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी, इंद्र सावर्णी और इस प्रकार के उनके सबके साथ सावर्णी नाम है लेकिन उनके साथ ये अलग अलग और नाम जुड़े, ये मनु होंगे। अभी जो होंगे उनकी चर्चा नहीं है, जो अब तक हुए हैं उनमें सात में से चार की चर्चा है। चार की चर्चा पुराणों में आई है कि ये प्रधान प्रजा के सृजक हुए हैं। इस प्रकार कुछ लोगों ने उसमें लिखा है वैष्णवाचार्यों ने कि क्योंकि तामस मनु के समय में कोई भगवान का अवतार नहीं हुआ, अन्य सब मनुओं में अब तक जितने मनु हुए हैं सातों उनमें छह मनुओं के काल में भगवान का अवतार हुआ है और तामस मनु के समय में कोई भगवान का अवतार नहीं हुआ और चार मनु प्रमुख हैं जिनके काल में भगवान का अवतार हुआ, इसलिए उनको यहाँ पर चतवारों कर सके समय। मेरी राय से ये कल्पना केवल अतिकल्पना है, भगवान के अवतार होने से उस सृष्टि का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो ये शाम लोग इमा प्रजा भगवान कह रहे हैं और उसमें विद्वानों ने कहा कि जो पूर्व के चार मनु हैं स्वयंभू मनु, स्वरुचिष मनु, उत्तम और तामस मनु, ये चारों प्रधान हैं, पुराणों में इनका नाम आया है तो इसलिए इनकी प्रजा मानी जाए ये। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय कि ये जितनी कल्पनाएं इस विषय में की गई हैं ये सब संगत नहीं बैठती। अब तक के सात मनु हुए हैं, सातवें मनु के मनवंतर में भगवान और वियोस्वत मनु की ये प्रजा नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते कि भगवान ने स्वयं गीता के चौथे अध्याय में कहा है इमं वियोस्वते योगम प्रोक्तवान अहमभ्यम वियोस्वान मनवे प्राह मनोरुक्षा के ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षि योगि स्वकाले ने महता योग परंत को। तो भगवान स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि वियोस्वत मनु की प्रजा है,
वर्तमान थी, वो कैसे कह सकते हैं कि चत्वारो मनोहतः, चार मनु ही मान लो। फिर इस पर कुछ आचार्यों ने कहा कि यहाँ पर जो चत्वारो शब्द का प्रयोग है वो संक्षेप में 14 मनुओं के लिए ही है। चत्वारो उसमें जैसे बहुवचन का प्रयोग करने के लिए कह देते हैं दो चार, ऐसे ऐसे भगवान ने कहा। ये कुछ ने कहा कि नहीं, यहाँ पर जो ऋषय सप्त पूर्वे चत्वारो जो है वो चार जो भगवान के विशिष्ट विभूतियाँ हैं उनके विषय में कहा गया है, और वो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये जो सृष्टि के मूल उपास्य देव, कहा गया कि नहीं ऐशाम लोक इमा प्रजा का जो है ये इससे बात नहीं बनती, परमात्मा तो स्वयं वासुदेव और वासुदेव स्वयं बोल रहा है, वो इस बात को कैसे कर सकता है, और वासुदेव से कोई प्रजा हुई है ऐसा नहीं है, वासुदेव तो असंग परमात्मा, यहाँ तो जिससे प्रजा हुई है उसकी बात भगवान कर, तो ये यानी अतकल्पना है, इसलिए ये भी त्याग। तो ग्राह्य क्या है इस विषय में अलग अलग अध्यात्मवाद की दृष्टि से, जैसे मैंने एक बताया था कि सप्तऋषि का अभिप्राय जो हमारे शरीर में प्राण की सप्त क्रियाएं हैं जिनको पांच ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि कहते हैं, ये है। और चत्वारों को उन्होंने कहा कि अध्यात्मवादियों ने कि चत्वारों जो यहाँ पर है ये मन बुद्धि अहंकार, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये चार अंतःकरण, तो ये भी हमें अति कल्पना लगती है। इससे पूर्व में जहाँ मैंने उसकी व्याख्या की थी सप्तऋषियों की, वहाँ तो यथार्थ रूप में उसमें घटित होती है, लेकिन यहाँ सप्तऋषि में यास्काचार्य जी ने पांच ज्ञान इंद्रियां, छठा मन, सातवीं बुद्धि को लिया। जब ये सात ऋषि हो गए तो चत्वारों फिर बाद में मन चित्त बुद्धि अहंकार अलग से कहाँ हो, फिर तो दो ही रह जाता है, इसलिए वो भी कल्पना अति कल्पना। हाँ, सप्त प्राण कह करके और चार क्या बोलते हैं अंतःकरण करे तो उससे ये सारी प्रजा उत्पन्न हुई, ये बात तो ग्राह्य होती है। सप्त प्राण है, अब सप्त प्राण की व्याख्या जब होती है तो सप्त प्राण में यही साथ आते हैं, तो उसमें नहीं, प्राण तो सप्त प्राणी है, उसमें सप्त प्राण में सर्वत्र वैदिक साहित्य में जहाँ तक मिला है सर्वत्र मन बुद्धि और पांच ज्ञान इंद्रिय सप्त प्राण, इसलिए कि प्राण के जहाँ प्राणमय कोष आता है तो प्राणमय कोष में ये सारी इंद्रियाँ उसके अधीन होती हैं। वो पंच प्राण और पंच उप प्राण, 10 प्राण है वहाँ पर, उसके विषय में 10 प्राण में से सप्त प्राण यदि उसको लेते हैं तो उसमें तीन प्राण जो हैं वो, क्योंकि उसमें एक बात कही गई है वेद में, यजुर्वेद का मंत्र है जिसमें सप्त प्राण की बात कही गई है कि शरीर में सात ऋषि हैं जो कि हमेशा जागते रहते हैं, लेकिन प्रलय काल में उसमें से दो जागता है बाकी सो जाते हैं, ये यानी बात उसमें समझाई गई है, तो उसमें ये बात समझाई गई है। तो यदि इस दृष्टि से हम देखें तो उसमें भाष्यकारों ने, सायणाचार्य जी ने भाष्य किया उस पर, तो उन्होंने यही बताया कि इसमें पांच ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि ये इस शरीर के रक्षक हैं, इन्हीं से शरीर की रक्षा होती है, और सुषुप्ति काल में घोर निद्रा में ये सातों सो जाते हैं, तो पांच ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं, मन और बुद्धि काम करते हैं, सभी सो जाते हैं, तो उस समय दो जीव जागते रहते हैं, प्राण और अपान, श्वास और श्वास की गति चलती रहती है, ये जागते रहते हैं, इसलिए इनको ऋषि कहा गया। तो बाकी सप्त प्राण के भेद में यदि हम देखते हैं तो पांच प्राण और पांच उप प्राण जो हैं, तो पांच उप प्राण में घोर निद्रा के समय में
तीन प्राण काम नहीं करते, उप प्राण जो पांच भोर निद्रा के समय में तीन प्राण काम नहीं करते। एक तो छींक नहीं आती भोर निद्रा के समय में, एक पलक नहीं झपकती व्यक्ति, एक जम्हाई नहीं आती। ये तीन नाग कूर्म त्रिकल धनंजय और देवता, ये पांच उप प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये पांच प्राण है, ये पांच प्राण है। तो प्राण का जो कर्म क्रम है ये तो बारह अंगुल बाहर से, बारह अंगुल नासिका के बाहर से ऑक्सीजन को खींच करके और बारह अंगुल नीचे तक पहुंचा देना, ये प्राण का काम है। अब नीचे वाला जो समान है वो उसको आगे ले जाता है, तो वो हृदय से नाभि के बीच में जो पेनक्रियास काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, ये समान का काम। अब नाभि से नीचे पांव तक जो संसार की क्रिया है, संसार की क्रिया अन्न ग्रहण करने की क्रिया जो है ना, ये अपान के द्वारा होती है। प्राण तो अंदर डालता है लेकिन अपान स्वीकार न करे तो बाहर आ जाता है, इसलिए अपान वायु अन्न को खींचता है। ये बात समझाई गई है बड़ी सुंदर कथा के रूप में उपनिषद। तो अपान जो है वही अन्न को खींचता है, तो अपान की शक्ति से ही अन्न जो है वो उदर में अवस्थित होता है और समान के द्वारा उसका हाजमा होता है, और अपान ही वह यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वह है जो मल को एक थैली में, मूत्र को एक थैली में और रस को यानी अलग करता है, ये काम वो करता है, और मल को बाहर फेंकता है, मूत्र को बाहर फेंकता है। एक संसार की क्रिया जो है यानी उत्पत्ति, ये अपान वायु से होती है। प्रजनन क्रिया अपान वायु का धर्म है, वैचन क्रिया अपान वायु का धर्म है, ये सब अपान वायु से होता है, और गति जो है चलने फिरने की ये सब अपान वायु से होता है। इसलिए मुख्य जो है ये प्राण और अपान जो समान तो बीच में डाइजेस्टिव काम करता है, और व्यान जो है वो सारे शरीर में रक्त पहुंचाता है, तो रक्त तो सारे शरीर में पहुंचता रहता है, घोर निद्रा में कभी तो ये जानता रहता है। और उदान जो है वो कंठ से ऊपर, कंठ से ऊपर का जैसे आँख कान नाक मुंह जिह्वा ये जितने हैं ये ऊपर के जो हैं ये सब उदान वायु का काम है, उदान वायु का। तो उदान का स्थान है कंठ से मूर्धा तक, कंठ से मूर्धा तक उदान, नासिका से हृदय तक प्राण, हृदय से नाभि तक समान, नाभि से अंगूठे तक पांव के अपान, और सारे शरीर में रक्त पहुंचाने का काम व्यान। पांच प्राण तो हमेशा काम करते ही रहते हैं। अब दो प्राण और हैं जो सोने पर भी जागते रहते हैं, उनकी क्रिया होती है। तो एक तो प्राण जो है उसको कहते हैं धनंजय, धनंजय। तो धनंजय का काम क्या है, जब आदमी मर जाता है मरने के बाद भी कुछ काल तक शरीर संगठित रूप में रहता है, शरीर के परमाणु जो हैं वो संगठित रहते हैं, यानी शरीर के शरीर रूप में रहता है। नहीं तो जब आत्मा चली गई तो परमाणु बिखर जाने चाहिए तुरंत एडवांस, लेकिन बिखरते नहीं तो बधी रहती है, कुछ काल तक बधी रहती है, धीरे धीरे चूर होती है। तो मृत्यु के पश्चात भी शरीर की सुरक्षा में लगे रहना ये धनंजय वायु का काम है, ये धनंजय। अब उसमें नाग कूर्म और त्रिकल ये तीन क्या करते हैं, तीन का काम है एक तो आँख झपकना खोलना, ये आँख पर बैठा एक वायु, एक वायु छींक आती है छींक का, एक वायु जो जम्हाई आती है आ करके देखो, ये तीन जो हैं नाग कूर्म और त्रिकल ये तीन के काम करते हैं। अब जो शरीर को संभाले रखना एक वायु करती है, और एक वायु जो देवदत्त नाम की वायु है देवदत्त, अब उसके द्वारा क्या क्रिया होती है मुझे स्मरण नहीं आ रहा है,
जहाँ तक मेरा ध्यान है कि शरीर में जो हीट होती है ना, टेम्परेचर जिसे कहते हैं, इसको बनाए रखने का काम उसका है। कि ये पांच वायु जो है तो उसमें दो वायु भोर सोने पर तीन तो काम बंद कर देते हैं, नाग कूर्म त्रिकल, ये तीनों काम नहीं करते। यानी आँख नहीं झपकती, हम कहते हैं सो गया माने झपकना बंद हो गया, बंद हो गई खुलती नहीं है, या खुल गई तो बंद नहीं होती। कुछ प्राणी आँख खोल करके सोते हैं, कुछ प्राणी आँख बंद कर खोते सोते हैं। तो ये अब उसमें बाकी जो है, दूसरा जो है कि ठीक नहीं आती घोर निद्रा में, जमाई नहीं आती घोर निद्रा में, ये तीन काम है। ये हिचकी ढकार वाला ढकारी वाला काम है सारा, हाँ वो ढकार रहता है जहाँ तक मेरा ध्यान। हिचकी का तो नहीं है उसमें, ढकार वाला काम हो सकता है, मेरे याद नहीं आ रहा है इसमें, मैं देखूंगा क्या काम करता है। तो उसमें से यानी दो वायु जो है उस अवस्था में, यदि ऐसे मान लें कि 10 प्राणों में से 60 प्राण जागते रहते हैं तो ये काम हो सकता है। तो ये सप्त ऋषि और चतवारों मनोहर कथा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने यही निश्चय किया कि सप्त ऋषि तो सप्त ऋषि हैं, उसमें ऐशाम लोक की माँ प्रजा सारी सृष्टि की बात है तो सप्त ऋषि होते हैं जिसके द्वारा प्रजा होती है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और चत्वारह को भी हम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि इनसे ज्ञानमय सृष्टि होती है, और उस सृष्टि को यानी हमारे दो दर्शन तीन दर्शन स्वीकार करते हैं, ज्ञानमय सृष्टि को तीन दर्शन स्वीकार करते हैं। ये ज्ञानमय सृष्टि अपनी अलग सत्ता रखती है, ये सृष्टि जा योगियों का कौन सा काम है? योगियों के प्राण उदान जो है वो ज्यादा सक्रिय रहता है, सजग उदान प्रधान यदि हो जाए, अपान को जीत ले। बस खास बात जो है सारे योग साधना में अपान को जीतने की सारी, और अपान को जीतने के लिए भगवान ने दो विधियां समझाई है, एक तो अपाने जुहवत प्राणम और प्राणे पानम तथा बस प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम प्राण। जिस योगी ने अपान वायु को जीत लिया वो दुनिया को जीत लिया, तो दुनिया अपान वायु से संबंध, लेकिन अपान वायु को जीतने वाली क्रिया बड़ी कठिन है। जैसे जैसे अपान वायु को जीतने की मनुष्य कोशिश करता है वैसे उसको गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू हो जाती है, और इसमें एक प्रक्रिया जो योगियों के लिए बड़ी महत्व की रही है जिसको मैं बहुत करता रहा हूँ, बस पेट, क्योंकि पेट जब बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल तीन क्रियाएं इसमें काम करती है, एक तो बस्ती क्रिया काम करती है, एक संघ प्रक्षालन क्रिया काम करती है, कभी तुम लोग देखा करता रहा हूँ। तो पानी में खड़े होकर के यानी अपान वायु के रास्ते से पानी भर लेना पेट में, उसे छोड़ देना, छोड़ने के पश्चात फिर अपान वायु को प्राण में हवन करने की प्रक्रिया करनी, तो उससे क्या होता है कि गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होता। अब हम इतनी साधना की हमें कभी गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होता, हमें पता ही नहीं गैस्ट्रिक ट्रबल क्या बना, कभी नहीं, क्योंकि साधना का मूल ये था कि सबसे पहले तो कुंजल करो, विजकरणी जिसे कहते हैं, पानी पियो, चार पाँच किलो बाहर फेंक दो, रोज का काम था मेरा सवेरे उठकर। अब उसके बाद में फिर सप्ताह में एक दिन संघ प्रक्षालन करो, पानी पियो मुँह से और गुदा के रास्ते से वही से पानी ज्यों कहते हो निकले, पीला भी ना हो, एन पानी पानी की जगह निकल, संघ प्रक्षालन पेट इतना साफ हो जाए कि पानी पियो, पहले तो मल निकलता है, फिर गंदा पानी निकलता है, फिर पीला पानी निकलता है, फिर जब जैसा पानी पियो वैसे साफ पानी निकल जाए। बस्ती में नहीं
बस्ती नहीं, ये संकट है। ये सप्ताह में सातवें दिन योगी का काम करते रहे, अब उसके बाद में जो मुख्य क्रिया है बस्ती, तो अपान वायु को जीतने के लिए बस्ती क्रिया। तो बस्ती क्रिया में दो प्रकार की बस्ती होती है, एक बारी बस्ती और दूसरा बात में वायु बस्ती। तो वायु बस्ती करने के लिए हम तो जंगल में जाते थे, कभी धार 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 धार, तुम्हें पता ही है ये मामला तो बड़ा खतरा। तो हम जब गए इंग्लैंड तो हमारा बंद हो गया, लेकिन हम धार धार करने लगे तो बाहर जाकर क्यों गड़गड़ क्या हो गया क्या हो गया सात बजे हो गए वो तो आ जाता है आदमी भाई ये क्या हुआ। तो वो तो एक बड़ी प्रक्रिया, पान लेना बाहर फेंकना, फिर उसके बाद में पानी में बैठ जाओ, पानी भरो और फेंको भरो फेंको, एन बिल्कुल एन साफ हो जाए तब बैठो ध्यान में, ध्यान में बैठो तो एन बिल्कुल अपान अपने आप ऊपर आएगा, नीचे कहाँ रहे तो अपान ऊपर आ गया। फिर अपान को जीतने के लिए सारी क्रिया की, और उस समय की क्रिया का परिणाम था कि मैं 20 मील की स्पीड से चलता था, क्योंकि अपान जया उदान दिया, उदान की गति जब तेज हो जाती है। मेरे आराध्य जो थे जिनके चरणों में रह करके मैं